वो लड़की तुम्हारी मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ी थी, उसने हमेशा सपोर्ट किया। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो? आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन देखो कादिर, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, वो शुक्रान की माँ है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो। मैंने उसे नहीं कहा कि वो शुक्रान की देखभाल करे। तुम नहीं तो कानून कहेगा, फिर तुम क्या करोगे? वो ऐसी लड़की नहीं है, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ, वो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। और मेरा क्या, मैं क्या करूं भैया? फातिमा नूर को इस तरह देखना आप नहीं समझेंगे। जब मैं उसे देखता हूं ऐसा लगता है मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो, मैं जख्मी हो जाता हूं। दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। ऐसी हालत में मैं किसी के साथ भला क्या अच्छा करूंगा? मुझे बताओ क्या तुम सच में खुश हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो फिर तुमने गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि अगर हम रेंट पे नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे लिए एक पेंटिंग वर्कशॉप अफोर्ड कर सकते हैं, और उससे मुझे थोड़ा कम गिल्टी फील होगा। लेकिन तुमने तो ऐसा बिहेव किया जैसे कि तुम खुश हो। मुझे गुस्सा आया था लेकिन मैंने उसे कंट्रोल कर दिया, ये कोई सरप्राइज नहीं है। वर्कशॉप को भाड़ में जाने दो, वापस चलते हैं और उनसे कहते हैं अपार्टमेंट वापस ले लो और हम पर एहसान मत करो, और चाबी वापस देते हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया जब मैंने हॉस्पिटल बिल्स के बारे में सोचा। लेकिन हम रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो अब हम हॉस्पिटल बिल्स अफोर्ड कर सकते हैं। तुम गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं जरा सरप्राइज्ड हूँ। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ, लेकिन फिर शांत हो गया ये सोचकर कि ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पापा ने कहा ना ये उनके पोते के लिए है, तुमने सुना नहीं? हाँ मैंने सुना, लेकिन अहमद मेरे पापा तो। मुझे पता है तुम क्या कहोगी और मैं उसका क्या जवाब दूंगा। इस बारे में बात नहीं करते हैं जब तक तुम्हारे लिए सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे उससे काफी दुख होता है। ओके, तो हम कब शिफ्ट हो रहे हैं? अभी अगर तुम चाहो तो। ठीक है।